बेचारे नु कुत्ते भेज लई उन्हें। ये जीप गई है हमारे बंदों को निकालने, वो जो उधर नहा रहे थे वो भी। क्या भैया? तो ये है एक्वेरियम बीच। कड़ी नत्तरां दी बैरियां दा साल आ गया, हट पिछे हट ताली आल आ गया। हेलो जी, की हाल चाल, मैं तड़ा अपना हरपाल तालिवाल। फिलहाल टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन हमने सनस्क्रीन ठोक ठोक के लगा ली है। ये पसीना ज्यादा सनस्क्रीन का ही है। अब हम अपने होटल से निकल चुके हैं, तो पहले हमारा प्लान था कि कार लेंगे, कार से जाएंगे, लेकिन अब हमारा प्लान है स्कूटी उठाते हैं। यहाँ पे पास वाले बीच पहले घूमते हैं, तो मोरजी बीच, एरम्बोल बीच, अश्वम बीच, ये सारा घूमेंगे और आसपास जो भी इनके फेमस लोकेशन होगी वो घूमेंगे। पहले करते हैं स्कूटी रेंट पे, फिर चलते हैं कहीं। एक दिन के लिए प्राइस अलग रहता है, दो दिन का लेगा तो 50-50 कम होगा ना, 450 तक हो जाएगा, कार 1500 होता है। तो हमारे होटल के बाहर से ही हमने स्कूटी ले ली है यार, ज्यादा हमने 50-100 रुपए की टेंशन नहीं ली। इधर हमारा होटल है पीछे, वेगेटर स्टेज जो भी, और यहाँ पे हमारी स्कूटी है। तो हमने 1200 में 3 स्कूटी ली है, एक ये, एक ये और एक वो। तो गाइस हम चल पड़े हैं गोवा की सड़कों पे, पहले हम सबसे पहले डलवाएंगे गाड़ी में तेल। बोलेगी कैसे बर्बाद कर दियो। तो गाइस हमने 200-200 का तेल डलवा लिया, सारा दिन घूमेंगे। सबसे पहले जा रहे हैं एरम्बोल बीच, तो उधर से वापसी से मोरजिम बीच और अश्वम बीच घूमते हुए आएंगे। तो रात को हमारा प्लान है पार्टी का भी, तो हमने टिकट्स वगैरह बुक कर दी हैं। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वेगेटर बीच से एरम्बोल बीच का 35 किलोमीटर का रास्ता है, बहुत ही बढ़िया व्यू है यार। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, आप लोग यार स्कूटी से ही आना, जब वेगेटर से एरम्बोल आओ स्कूटी से ही आना। तो यहाँ पे हमारे बंदे रुक गए हैं किसी के घर। ये बहुत मीठा होगा, मजा आ गया, मजा आ गया। इसकी गिरी जो है मोटी होती है ना थोड़ी। तो ये जितने सारे पेड़ है ना, ये आंटी जी के खुद के एरिया में, तो खुद के घर के नारियल के, इसलिए आंटी जी ने बैठे बैठे 200 रुपए छाप लिए। देख रहे हो तुम कितना बढ़िया काम है। चलो चलिए। तो गाइस अब पहुंचने वाले हैं यहाँ पे, मुश्किल से 5-10 मिनट का रास्ता रह गया, फिर वहाँ पे चाहते बीच में घूम जाएंगे, क्योंकि हम रूम से तो नहा के नहीं आए, क्योंकि सारा दिन नहाना ही है। आ जाओ। तो स्कूटियों को लोग लगा के हम लोग इधर से जाएंगे एरम्बोल बीच के लिए। थैंक यू ब्रो। तो यार एक चीज बता दूं, हमने टेक्नो पार्टी की भी टिकट्स ले ली हैं, रात को टेक्नो पार्टी है, बहुत तगड़े तगड़े बैंड म्यूजिशियन आने वाले हैं, तो वो भी आपको चाहा तो दिखा देंगे। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल एंट्रेंस यार। लास्ट टाइम हम जब यहाँ पे आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे फुटबॉल खेली थी, बड़ा मजा आया था यार। चलो यार, चलो चलो ना हो, टाइम राइट नाउ हो चुका है 3:33 और हम लोग खड़े हैं एरम्बोल बीच के बीचों बीच। वाह। तो ये है आज, थोड़ी इस टाइम अभी पब्लिक नहीं आई, बीच का पानी तो साफ लग रहा है और वेव इसमें दिन में इतनी ज्यादा आ रही है ना, इतनी। ओ बेचारी नु कुत्ते पैच लई उन्हें। नो नीड टू वरी, कुत्ते पैच लई यार उन्हें बेचारी नु। यू आर ओके? अगर हम बात करें कल वाले वेगेटर बीच से इस एरम्बोल बीच की, तो यहाँ पे मुझे पानी वगैरह ज्यादा साफ है वहाँ से, यहाँ पे क्राउड थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पे क्राउड बहुत बढ़िया जनवन, और यहाँ पे गंदगी नहीं है, पानी भी साफ है सारा कल वाले बीच के मुकाबले। तो हमारे सुखचैन भाई कह रहे हैं ये कीड़ों ने प्रिंट बनाया है, तो आपको क्या लगता है ये सारा प्रिंट कीड़ों के काम होगा? सारे ट्री की शेप चे वाकई यार, कोकोनट ट्री बनाए ने आखो। सो गाइस सामान वगैरह हमने सारा इधर ही रख दिया, तो अब चलते हैं सामने नहाने, वो पहुंच चुके हैं देखो। ये जीप गई है हमारे बंदों को निकालने, वो जो उधर नहा रहे थे वो बीच दिख रहे होंगे आपको, कई बीच सेफ्टी बांध बांध के करे हैं। एक घंटा नहाने के बाद अब यहाँ पे शावर लिया है होटल में, तो थोड़ा चेंज वेंज करेंगे, थोड़ा अपने कपड़े पहनते हैं, थोड़े आते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, कुछ खाते हैं। तो हमने नहा लिया है, चेंज कर लिया है, बहुत ज्यादा मजा आ गया, लेकिन भूख लग रही है इस टाइम बहुत ज्यादा। तो हम आए हैं एरम्बोल बीच के, वन ऑफ द बेस्ट कैफे है यहाँ पे, फूड प्लैनेट कैफे, ये देखिए ये लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम पिज्जा वगैरह ड्रिंक्स वगैरह मंगाते हैं और आपको बताते हैं कि टेस्ट वगैरह इसका कैसा है। स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज है, अब वाटरमेलन है, आ कितने खसका रहे हैं अभी टेस्ट ट्राई करो, मतलब ठीक है।
हाँ तो बहुत बढ़िया स्ट्रॉबेरी। अब बारी है ऑरेंज की। ये तो पल्पी ऑरेंज की तरह ही है, स्ट्रॉबेरी वाला बेस्ट है। पिज्जा पिज्जा विच वन इज वेज वेज करते हैं अब पिज्जा ट्राई, देखते हैं क्या हिसाब है इनके पिज्जे का। पिज्जा वेज हमारा, नॉन वेज पिज्जा इनका। नॉर्मल ही है वेज पिज्जा तो। वेज बहुत वाला है नॉन वेज के जंदा पिज्जा ताड़ा इना गंदा है कि कभी दिखाई नहीं सकते दोबारा। तो यहाँ पर हमारा बिल आया लगभग 1710 जिसमें हमने 6 ड्रिंक्स मंगाई थी और 2 पीते थे। थैंक यू ब्रो। अब हम दूसरे बीच की तरफ जाएंगे, अभी हमारा डिसाइड नहीं है। कोई कोई बीच कह रहा है, कोई कोई बीच कह रहा है। हम जाते हैं अपनी स्कूटी तक और डिसाइड करते हैं। तो निकलते निकलते बैठ गए यहाँ पे, गिफ्ट वगैरह लेने लग गए, या सारे ब्रेसलेट वगैरह। दीदी मेरी गर्लफ्रेंड होता मैं पक्का लेता। बहन के ले लो भैया, रक्षाबंधन का गिफ्ट। तर राखी दीदी देती है क्या, भैया देते हैं? वो राखी बांधती है भैया, तो आप तो कुछ देते हैं ना भैया। क्या क्या प्राइस क्या है इनका? ले लेगा, 2-4 ले लेगा, फिर बताओ अगर सही रेट लगा देगा तो। चूज कर लो भैया, डिस्काउंट करके दे दो। कुछ आइडिया तो दो, बताओ तो कितने का है। 250 घंटे ही। अरे मेरी कल रेट सेट हो गया। कौन आएगा मेरी मसाज कर देगा? शुभ अवसर। चलो तीनों बताओ कितने का देगा। एक मल्टी कलर ले लो। मल्टी कलर दे दो। मैं 4 के देगा 200। क्या भैया? 4 के 200। ये यहाँ भैया नहीं आता है रे भैया। बस मैंने बोल दिया। हम सब लोग मसाज करा रहे हैं इधर 15-20 मिनट के लिए। बहुत चार्जेस लेते हैं यार। तो मैंने 4 ब्रेसलेट ले लिए बस यार, वैसे यादगारी के तौर पे, मुझे जरूरत तो नहीं थी तो करा लिए मसाज और ले लिए। अब निकलते हैं यार, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, 6:11 हो गए। पर इस बीच पे अब मौसम बढ़िया हो गया, एकदम ठंडा मौसम चल। और इन्होंने भी देख लो टेबल चेयर सब बाहर निकाल लिया। मैंने अभी इनसे बातें करी थी तो मॉस्को से काफी 5-10 मिनट बाद चली, तो फिर मैं अंदर आया। ओके आई एम गोइंग, होप टू सी यू अगेन। तो गाइस अब मैं लेके जा रहा हूँ तुम्हें नेक्स्ट बीच पे, जिसका नाम है पुश। कौन सा बीच है? पुश कौन सा बीच है? कौन सा भाई? वो बीच को कहते हैं अश्वम बीच। कैरी पता नहीं कितने है, वो पता कर लेते हैं। लेकिन तो अब हम अश्वम बीच चलते हैं, यहाँ से कुल 10-15 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ चलते हैं। अगर हमें बीच अच्छा लगा वहाँ पे रुकेंगे, नहीं तो मोरजिम बीच जाएंगे। और रात को टेक्नो पार्टी है, भूल गए हो तुम? क्या कह रहे हो, उसी के लिए इतनी शॉपिंग करी है? ये पहन के जाएंगे रात को, पूरे तैयार हो गए। थैंक यू ब्रो। थैंक यू। तो हम लोग यहाँ से अश्वम बीच जा रहे थे, तो अब क्वेरिम बीच जा रहे हैं। इन्होंने सजेस्ट किया है, लोग लाइट से पूछ लेना यार, सही रहता है। तो यहाँ से अब 25 मिनट का रास्ता है, तो वापसी में जाएंगे अब ये वाले बीच। तो हम पहुंच चुके हैं क्वेरिम बीच। तो ये है एक्वेरियम बीच यार, बढ़िया है यार, ये कुछ अलग बीच है। लास्ट टाइम जब हम आए थे हम इधर नहीं आए, और उधर है बैठने का अभी भी है। औखा कम है, अगर तेरे लिए औखा है, मैं तो होर औखा है। डर नहीं लगता, लेकिन मैं उदा ही फिसल फुसल जाना है। लम्बे पै पै के हो डे हैं। ये पक्का बंद रखा है। ओह माय गॉड, मतलब इस बीच पे ना लोग कम है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बीच इतना ज्यादा मतलब वो नहीं है, नोन नहीं है। तो यहाँ पे कभी कभी अच्छा माहौल भी होता होगा। है अनएक्सप्लोर्ड है, लोकल लाइट होते नहीं थे। बढ़िया है, उस साइड बैठे हैं लोग, वैसे उस साइड बैठे हैं, और वैसे भी रात का टाइम हो रहा है। तो ये बीच मतलब खाने पीने के यहाँ पे शॉप शॉप इतनी है नहीं, एक है बस वहाँ पे। चल गया मच्छी। खाने वाला नहीं है, क्योंकि टेक्नो पार्टी पे जाना है। तो जाते जाते यार रास्ते में एक बीच आएगा, वो भी देख चलते हैं यार। तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी इन्हें लेके जाऊं।
हम लोग अश्वम बीच की तरफ जा रहे थे तो वो थोड़ा क्रॉस कर दिया क्योंकि अंधेरा ज्यादा हो गया। हमने सोचा मोरजिम चलते हैं, वहाँ पे भी चलते हैं, उससे पहले हमें गोलगप्पे का ठेला दिख गया, अब पहले गोवा के गोलगप्पे ट्राई किए जाएंगे। तो यार हम लोग निकल गए थे, आगे आ रहे थे हम लोग बीच के तरफ, तो हमारे बंदे पीछे रुक गए थे, हमने दोनों बीच घूमने थे तो फिर मैंने कहा पहले गोलगप्पे ट्राई किए जाएं। तो गोलगप्पे यार थोड़े गर्म गर्म देते हैं यार, ये हमारे चिल्ड से चिल्ड मिलते हैं, फिर थोड़ा डोसा खाया अब अच्छा लग रहा है। बीच जा नहीं सकते, बीच बंद है, तो बस हमारे बंदे जो पीछे आ रहे हैं उनका वेट किया जा रहा है। अभी हम जा रहे हैं ना।